हाँ भाई, लड़के और लड़कियों, क्या हाल है आपके? आज हम बनाने वाले हैं एप्पल का शेक, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो सेब का जूस। तो चलिए अब बनाते हैं एप्पल शेक। सबसे पहले ना अपने को सेब को इस तरीके से काट लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख लीजिए। सेब को अब काटने के बाद अंदर की जो बीज होती है ना, उनको निकाल दें। अगर मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अच्छा, एक बात सच बताता हूँ, मैंने यही जूस यानी कि शेक बनाकर माँ को दिया तो माँ कहती है, तेरा ये शेक तो 1000 रुपये का है, इतना बढ़िया है यार। बढ़िया तो है, बनाओ पियो। सो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे सेब को काट दिया है। वैसे वही सॉर इस वीडियो की मैं बाद में कर रहा हूँ, पहले ही शेक बना के मैं पी चुका। अरे भाई, एक बात बताऊँ भाई, माल है माल, तगड़ा माल भाई, बना के पियो। अब आगे करना हमें ये है कि सेब को काट कर हम ग्राइंडर के अंदर डालें और पीस देंगे। अब सेब को काट काट कर ग्राइंडर के अंदर डाल देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हरियाणा में कहते ना, जैसे किन्ने जाओगा तो वैसे ही कहाँ जाओगे, आराम आराम से काट कर डाल दो सेब को ग्राइंडर में। हमने सारे सेब को काट काट करके ग्राइंडर के अंदर डाल दिया, तो चलिए अब इनको पीस देते हैं। 2 मिनट के लिए पीसो इनको ऐसे ही। अब इसको एक बार रोक देंगे और इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, बस थोड़ा सा दूध डालना, अपने को ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा दूध डालने के बाद आप इसको फिर से पीसेंगे। अब ग्राइंडर को रोक के आपने को इसके अंदर चीनी डाल देनी स्वाद अनुसार। स्वाद के अनुसार इसमें अब चीनी को डाल दें और अब अपने को अगेन इसको थोड़ी देर के लिए पीसना है, ग्राइंड करना है। अब 1 मिनट ग्राइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर बचा हुआ सारा दूध डाल देंगे। इसके अंदर सारा दूध डालने के बाद अपने को इसको ग्राइंडर को बंद कर देना है और इसको फिर से चलाएं थोड़ी देर के लिए। एक बात मेरी याद रखना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इसलिए हौसला बढ़ेगा तुम्हारे भाई का। तो यहाँ पर एप्पल का शेक बन गया है, तो इसको मैं डालकर भी दिखा देता हूँ आपको। अरे अरे, कहीं जाना मत, रुको रुको, डालकर दिखा देता हूँ, गार्निश भी करने के दिखा देता हूँ, दोनों काम करूँगा यार। तो चलिए, यहाँ पे ग्लासेस लिए हैं जिनके अंदर मैं डाल लेता हूँ, सर्व कर लेता हूँ इसको। देखिए, यहाँ पर अपना एप्पल का शेक बनकर बिल्कुल रेडी है। तो मैं बादाम के कुछ टुकड़े और किशमिश से इनको गार्निश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक बार चैनल को ना सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना यार, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लो पी लो।